माननीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, तो इस पर अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उनको दर्द होता रहे, ये बोल के आए थे कि बताएं तेजस्वी जी कि उन पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, क्या वो आज आरोप खत्म हो गए? बताना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। पहले तो खुद कांग्रेस को स्टैंड साफ करना चाहिए अपना कि क्या वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट विपक्ष के लोगों को मानेंगे। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री का मटेरियल हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, तो मंदे रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बिहार मिशन पर लग चुकी है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता अफजल शमसी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अमित शाह आ रहे हैं, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि कोई भी आ जाए कुछ दाल नहीं गलने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ ए डिफरेंस है, पार्टी विथ ए मिशन है और पार्टी विथ ए आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। हमारा पंचायत स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो है संगठनात्मक कार्य होता रहता है और उसी कड़ी में माननीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, तो इस पर अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उनको दर्द होता रहे। आने वाले जो दिन हैं बिहार के और आने वाला जो चुनाव होगा बिहार में, वो बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी देगी और इससे बेचैन आत्मा की तरह के किन्हीं के आने से क्या होता है, किन्हीं के जाने से क्या होता है, तो वो बेचैन आत्मा वाले बेचैन आत्मा की बात करते रहें। हकीकत ये है कि हम जमीन स्तर से काम करते हैं और ये हमारा रूटीन वर्क है। हर बार कोई ना कोई संगठनात्मक कार्य हमारा मंडल में, पंचायत में, जिलों में, प्रदेश स्तर पर होता रहता है, तो नेचुरल है बेचैनी होगी उन लोगों को बेचैनी होगी जो ऐन कैन प्रकारेण सत्ता को काबिज करने की कोशिश किए हुए थे, उनका बेचैनी हो जाना वाजिब है। क्योंकि जिस तरह से लोगों ने जनादेश का अपमान कर करके और वैसे लोगों के साथ चले गए, कल जिनको ये कह करके आए थे करप्शन के मामले में, क्राइम के मामले में RJD को छोड़ के आए थे, ये बोल के आए थे कि बताएं तेजस्वी जी कि उन पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, क्या वो आज आरोप खत्म हो गए? बताना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसीलिए बेचैन आत्मा की तरह अगर वो होते रहे, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्य लगातार चलता रहता है और चलता रहेगा और उसी घड़ी में हमारे देश के यशस्वी नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू मिलेंगे, बात करेंगे और ये काम हमारा रूटीन वर्क काम है। पर कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी पटना पहुंच रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मुलाकात करेंगे और ये चर्चाएं हैं कि 2024 में विपक्ष को एकजुट करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल बिहार आ रहे हैं। देखिए, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आज़ादी के बाद से, तो जब भी विपक्ष की पार्टियां नहीं हैं, इनके कभी भी इनकी जो सरकारें हैं वो 6 महीना, 1 साल 2 साल इसी टेन्योर में ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए वो कितनों मिलते रहे, जाते रहे। पहले तो खुद कांग्रेस को स्टैंड साफ करना चाहिए अपना कि क्या वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट विपक्ष के लोगों को मानेंगे। पहले तो कांग्रेस को अपना स्टैंड तय करना चाहिए और ये लोग बोलते रहे। देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा जिसको जनादेश मिलेगा, जिसके पास संख्या बल होगा, उसी के प्रधानमंत्री होंगे। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री का मटेरियल हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, तो मंदे रहिए। लेकिन अभी देश के अंदर कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री की नहीं है। दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, ये जनता ने स्वीकार कर लिया है। पर राजद के साथ साथ JDU भी कह रही है कि हम विपक्षी पार्टियों से बात करेंगे और नीतीश कुमार को बनाएंगे उम्मीदवार। करें ना बात भाई, वो भी अपना, अगर वो मुगालते में हैं तो वो मुगालता दूर कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप डिस इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहते हैं तो आप देते रहिए डिस इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बिहार के अंदर में और देश के अंदर में, देश के पैमाने पर
जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट को देखा है, विकास को देखा है और देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर में आज भारत की जो है एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। तो विपक्ष को बैठा रहे हैं, मिला रहे हैं, मिलते रहिए भाई, कोई रोजगार चाहिए ना। जनता जानती है देश की कि स्टेबल सरकार देना चाहती है, और स्टेबल सरकार कौन दे सकता है? स्टेबल सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अफजल शमसी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी देश के प्रधानमंत्री के लिए वैकेंसी भी नहीं है। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।